एक ट्वीट थी आपकी कि एवरी टाइम आई स्टॉप बाय द पुलिस द ओनली रिस्पॉन्स दे हैव टू माय ड्यूम्यूरल इज आपको नहीं पता इस टाइम पर किस किस्म की औरतें आ जाती हैं, ये क्या हुआ था? बहुत दफा हुआ है, एक दफा नहीं हुआ, इस दफा मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। मैंने कहा अच्छा वही ना सोशल मीडिया पे गुस्सा निकलता है लोगों का, मैं इस तरह निकालती हूँ। मेरे वर्किंग आवर्स बहुत अजीब होते हैं, सुबह 4 आपको तो पता होगा जी। तो बस जा रही थी, गाड़ी में बैठी हुई थी, सामने गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठी थी, रोका। जब से बाल कटवाए और रोकना शुरू हो गए हैं, लेकिन लंबे बालों के साथ भी ये हुआ है। बस पुलिस रोक के कहती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या मसला है? मैंने कहा काम पे जा रही हूँ। कहते हैं इस टाइम पे कौन सा काम होता है? मैंने कहा मेरा काम होता है। तो कहते हैं ना बैग चेक कराएं। मैंने कहा क्यों, मैंने कुछ गलत किया? मैंने कहा नहीं आप बैग चेक कराएं। मैंने कहा मैंने नहीं कराना। उन्होंने कहा आप कराएं। मैंने कहा अच्छा। अब मेरे बैग में सारी पर्सनल चीज़ें थी क्योंकि आपको लेके जानी पड़ती हैं फॉर अ शूट। मैंने निकालनी शुरू की, मैंने कहा ये है, ये है, ये है। उन्होंने मुझे देखा, पुलिस ऑफिसर ने, उन्होंने कहा बेटी तहजीब। और मैं बस उस पॉइंट में बस उनको स्माइल करके देखी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। आपने खुद मुझे कहा है कि बैग चेक करा और अंदर से मेरी पर्सनल अंडरगारमेंट्स निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं तहजीब। व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? व्हाट डू आई हैव टू से टू देम? पुलिस को? पुलिस को मैं क्या कहूँ कि भाई, तो क्या कहूँ मैं उनको कि बस ये एक्सरसाइज ऑफ पावर जो है ना ये छोड़ दें अननेसेसरली। Miss the time when my only worry in life was to somehow get my name removed from the ISLO slut list. Oh my God, some controversial tweets pakad ke nikali hai. Oh toba. Gossip Girl ka zamana tha. Okay. Bade koi gossip pages banaye the logo ne. Ek hoti thi slut list. Ab slut जिस अल्फाज लाइक जिस मीनिंग में यूज होता है वो तो पता ही है। उसमें मुझे तो इतना नहीं था, मुझे बस होता था कि यू नो जानने वाले ना पढ़ ले, फैमिली ना पढ़ ले। अच्छा, लिस्ट बकायदा बनी होती थी? बकायदा इस्लामाबाद में मुझे फर्क नहीं पड़ता था खुद से, क्योंकि उसके अंदर हर लड़की होती थी, हर लड़की वही 50 लड़कियां होती थी। मैंने कहा अच्छा छोड़ा किसने तुम लोगों ने, छोड़ा किसको? तो मुझे ये फ़र्क नहीं था कि अच्छा कि मेरा नाम क्यों है इसमें, मुझे था कि यू नो कोई देख लेगा, किसी का भी नहीं होना चाहिए। मम्मी अब्बू ने देख लिया उनको अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भाई को नहीं अच्छा लगेगा। वैसे मैं अभी मैं पढ़ी थी कि गॉसिप गर्ल का रीबूट है, मैं कहती हूँ अल्लाह नहीं प्लीज, ये उसकी वजह से सब कुछ। बस गॉसिप पेजेस जो बने थे लोग उठा के तस्वीरें लगा देते थे। इस्लामाबाद तो बड़ा ठंडा सा शहर है। नहीं, इस्लामाबाद में भी मनहूस किस्म के लोग हैं, हर जगह हैं। अच्छा, ओके, अच्छा जी। फिर आपकी एक और रही थी, यार प्लीज चुप कर जाओ आवाम, हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें पता है क्या चलता है इंडस्ट्री में, हमने खुद देखा है, हमें लोगों ने बताया है, सो प्लीज शट द डैश ऑफ। वी कैन से अलेज्ड बिकॉज वेल बस हमें मिलती है, हमें सब कुछ पता भी होता है और उसके बावजूद हम चुप रहते हैं, विच इज ओके। मैं समझ आती है कि लोग नहीं आना चाहते सामने, एंड इट्स ओके, उनका दैट्स देयर चॉइस, प्रेरोगेटिव है, हाँ उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो लोग आते हैं उनके लिए hats off to them. अच्छा जी, अगर ऑफर एक ही वक्त में हो रही हो, ठीक है, बहुत बड़ी कोई फिल्म बन रही जी है, दो फिल्में बन रही हैं, एक सरमर डायरेक्ट कर रहा है, एक शुएब मंसूर कर रहा है, तो ईमान किसकी फिल्म करेगी? सरमर की, मुझे सोच पता नहीं, मैं सोचा भी क्यों है, मैं सरमर, ओके सरमर इज, मैं बायस होंगी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वो अलग बात है, टैलेंट भी बहुत है। मुझे सरमद से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे वो इतने अच्छे हैं वो, लेकिन प्यार का काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं चलेंगे हम, काम का प्यार से कोई ताल्लुक नहीं होता, नहीं होता, वर्क इज वर्क। मैं जो लोग मुझे पसंद है ना, मैं उनके लिए बस दिल खोल के
बस उनके साथ दिल खोल के। फवाद खान या शहरयार मुनव्वर? फवाद खान। क्यों? क्योंकि बस प्यार है। नहीं, talented है। talented है। talented है। Very good. He's an amazing actor. I also like his wife a lot. I've worked with him. मैंने उनके साथ एक दफा काम किया था। Okay. बस लोग पसंद होने चाहिए ऐमान को। मुझे लोग नहीं, मैं बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी काम करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है। माहिरा और महविश? मुश्किल है ये थोड़ा। Okay. I think महविश, महविश के साथ। क्यों? पता नहीं, लेकिन महविश। ठीक है। शाहरुख खान और शान? नान नान। टू ओल्ड फॉर यू? नो। हाँ, शान तो आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ। ओके। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खमाज, हैंड्स डाउन वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस एवर। बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर शान ने भी, शान बहुत अच्छा, बहुत ही केम आउट रियली नाइस। शाहरुख खान बस आई थिंक क्योंकि वो एक ही जगह फंसा हुआ है। ही इज अ स्टार। ही इज अ स्टार। या उसकी अशोका मेरी और दिल से फेवरेट मूवीज हैं। आई नो। वैसे मैं नहीं, दोनों में से नहीं, नहीं करूंगी। ना अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो कर लूंगी, दोनों के साथ कर लूंगी। अगर स्क्रिप्ट ना अच्छी, लेकिन दोनों में से अगर चूज एक ही टाइम पे करना पड़ा। ये जस्ट सवाल है, इसलिए मैं इंटरव्यूज नहीं देती, इसलिए मत दो जवाब इफ यू डोंट वांट। ओके। मॉडलिंग और एक्टिंग? अब एक्टिंग। अब एक्टिंग। एक्टिंग। ओके। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी तो तुम करोगी नहीं अब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बुरी हूँ मैं। शुक्र करें आप सारे। अच्छा जी, कोई ऐसा मैसेज जो अपने ट्रोल्स को देना चाहती हो? कि बस थोड़े एम्पैथेटिक हो जाओ, थोड़े काइंड हो जाओ, नरम दिल हो जाओ। बस बात करनी है मेरे से जरूर करो, बस आराम से करो। ओके। बस औरतों के सिगरेट पीने के बारे में तुम्हारे क्या व्यूज हैं? सिगरेट, मैं औरतों नहीं, मैं कहती हूँ कोई सिगरेट ना पिए, सेहत की वजह से। सेहत की वजह से, लेकिन मुझे ये नहीं होता कि औरत पी रही है भाई। मैं सिगरेट पीती थी। okay. अभी भी कभी कभी पी लेती हूँ। मैं पीती हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने छोड़ी है। जूल लिया था, पैसे ही ना फेंकिएगा प्लीज अपने उस पर। तो मैं किस मुंह से क्या कहूँ? लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि आदमी पिए तो उसकी सेहत की खराबी, औरत पिए तो उसका कैरेक्टर खराब है। बिल्कुल। और इतनी हमारे शोबिज की औरतों की तस्वीरें लगा देते हैं जो वो प्राइवेसी में अपने सिगरेट अगर पी भी रही हैं, और फिर उस पे इतनी बातें, इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। बड़े मजे की बात है ना, किसी ने मुझे याद नहीं है कि कौन था, स्मोकिंग डैमेजेस मेल लंग्स एंड फीमेल कैरेक्टर। एग्जैक्टली। नहीं, आई डोंट थिंक इट शुड बी लाइक दैट। अगर रोकना चाहिए तो सेहत की वजह से सिर्फ, क्योंकि आपकी सेहत को बहुत अफेक्ट करता है। मैंने अपने अब्बा को देखा है, उनकी बहुत, अब तो थैंकफुली वो नहीं पीते। तो मैं तो कभी, मैं कभी किसी को सिगरेट पे ना लगाऊं, कभी भी नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्थ, एंड इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स टू क्विट। सबसे मुश्किल है। या टेलिंग मी चेन स्मोकर।